स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अगर हाइड्रोकार्बन में तमाम बॉन्ड सिंगल हों, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे तो अल्कीन्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो अल्काइन्स। इनके जनरल फार्मूले, अगर ये ओपन चेन हो तो CnH2n+2 अल्केन्स का, CnH2n अल्कीन्स का और CnH2n-2 अल्काइन्स का। तो सबसे पहले हम अल्केन शुरू करेंगे जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ अल्केन, अल्केन में जितने कार्बन हो, फॉर एग्जांपल ये मिथेन है इसमें एक कार्बन है, ये इथेन है इसमें दो कार्बन है, और ये डिकेन है इसमें 10 कार्बन है। तो जैसे ही कार्बन की तादाद बढ़ी मिथेन से इथेन और फिर डिकेन में, वैसे वैसे प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा? तो नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्ट होते हैं मोलर मास के, इसका मोलर मास ज़्यादा, इसका कम, इसका मजीद कम। नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्ट होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका कम, इसका मजीद कम। नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्ट होते हैं मेल्टिंग पॉइंट के, लेकिन ये थोड़ा सा इरेगुलर होता है, हमेशा नहीं, अमूमन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इससे और इसका इससे। नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्ट होते हैं डेंसिटी के, इसकी डेंसिटी ज़्यादा इससे और इसकी ज़्यादा इससे। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे डेंसिटी भी बढ़ेगी। और नंबर ऑफ कार्बन होते हैं सोलुबिलिटी के इनवर्स, तो ये सोलुबिलिटी वही चीज़ है जो इनवर्स में आएगी। जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी सोलुबिलिटी कम हो जाती है। सोलुबिलिटी का ट्रेंड आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही देखेंगे, क्योंकि पानी में तो ये सारे ही हल नहीं होते। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि अल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में, ये वाला ज़्यादा हल होगा जिसमें कार्बन कम है, और ये वाला कम हल होगा जिसमें कार्बन ज़्यादा है। फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन, अगर आप कार्बन सेम रखें, मतलब आप ब्यूटेन को ही डिस्कस करें, तो एन ब्यूटेन होता है, आइसो ब्यूटेन होता है, आपके कार्बन सेम है दोनों में। आप पेंटेन को डिस्कस कर लें, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, तीनों में कार्बन सेम है। तो अगर आप कार्बन सेम रखें तो हम आइसोमर की बात करें। आइसोमर्स में नंबर ऑफ ब्रांचेज डायरेक्ट होती हैं वॉलीटिलिटी के, जितनी ब्रांचेज ज़्यादा होंगी उतना ही कंपाउंड ज़्यादा वॉलीटाइल होगा। और इन्वर्स होती है नंबर ऑफ ब्रांचेस बॉइलिंग पॉइंट के, जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है जी एन ब्यूटेन, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये आइसो ब्यूटेन, इसमें एक ब्रांच आ गई। तो जैसे इसमें एक ब्रांच आई, ब्रांच ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। आप देखें इसका बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 डिग्री, इसका है -11.7 डिग्री, तो आप देखें ये वाला कम है, -11 वाला, और ये वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसी ब्रांचेज आई बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, और वॉलेटिलिटी क्या होगी, ब्रांच आने से बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, ये कम वॉलेटाइल होगा। आप पेंटेन में देख लें, इसमें कोई ब्रांच नहीं है एन पेंटेन में, आइसो पेंटेन में एक ब्रांच है और न्यू पेंटेन में दो ब्रांचेज हैं। तो क्या ख्याल है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसका कम होगा? जिसमें ब्रांचेज ज़्यादा हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाएं तो इस अंदाज में बनेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और इसका सबसे कम। तो ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाया। अगर आप वॉलेटिलिटी का ऑर्डर बनाते हैं कि कौन सा ज़्यादा वॉलेटाइल है कौन सा कम है, तो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट ऑर्डर बनना था। यही वजह है कि जब आप रिफॉर्मिंग पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि आपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया, और ब्रांच चेन में कन्वर्ट करके जो प्रोडक्ट आपने बनाया 2,2,4-ट्राइमिथाइल पेंटेन, वो क्या है, वो स्टेट के मुकाबले में मोर वॉलेटाइल है। और मोर वॉलेटाइल क्यों है, उसमें ब्रांचेज हैं और बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो गया, कम हो गया। स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन डिस्कस करते हैं। अल्केन रिएक्शन बहुत कम देते हैं, इसीलिए इन्हें पैराफिन बोला जाता है। पैराफिन वर्ड दो अल्फाज का मजमू है, पैरा एंड अफिन। पैरा मीन्स लिटल, बहुत कम, और अफिन मीन्स अफिनिटी या रिएक्टिविटी। तो ये बहुत कम रिएक्शन देते हैं इसलिए इन्हें पैराफिन बोला जाता है। अल्केन्स का रिएक्शन बहुत कम देने का रीज़न क्या है?
क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्केन्स में कोई भी आप अल्केन बना लें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इनर्ट बॉन्ड होता है। तो पहला रीज़न इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड दो एटम के दरमियान छुप जाता है। तो जब ये दो एटम के दरमियान छुप जाता है, अब ये एक्सपोज नहीं है। ऐसा कोई भी केमिकल जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, वो सिग्मा बॉन्ड तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। यही वजह है कि सिग्मा बॉन्ड लेस एक्सपोज है, लेस एक्सपोज एंड मोर स्ट्रॉन्ग। तो एक्सपोज कम और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, क्योंकि दो एटम के दरमियान है और दो एटम ने इसे मज़बूती से अटैच किया हुआ, लिहाजा ये मज़बूत है। यही वजह है कि सिग्मा बॉन्ड की वजह से रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। रिएक्शन की शर्त है कि बॉन्ड टूटे। जब टूटेगा ही नहीं, कोई केमिकल इस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा, नॉन पोलर नेचर। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो बहुत कम डिफरेंस है। इसकी वजह से हाइड्रोकार्बन पे चार्जेस नहीं बन पाते, दे आर नॉन पोलर। और नॉन पोलर होने की वजह से अब ऐसा केमिकल जो चार्जेस की डिमांड करता है, इन पर अटैक नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए उसे? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कहीं नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, तो अटैक वो किस पे करेगा? नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कहीं चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ भी वो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो चूंकि इनका नॉन पोलर नेचर होती है, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक नहीं कर पाते, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव है। तो अल्केन्स कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं? बहुत कम रिएक्शन देंगे, लेकिन फिर भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, थर्मल या कैटालाइटिक रिएक्शन दे सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनके सनलाइट की मौजूदगी में या हाई टेम्परेचर पर हुआ करेंगे, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करेंगे। थर्मल या कैटालाइटिक, जैसे कि नाम से जाहिर है, हाई टेम्परेचर पर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में हुआ करेंगे। तो पहला रिएक्शन जो अल्केन दे सकते हैं, वो है कम्बस्टन। कम्बस्टन का रिएक्शन जब भी आ जाए, इनमें अल्केन्स और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हुआ करेंगे। ऑक्सीजन हमेशा कम्बस्टन में आपने रिएक्टेंट लाजमी लेना है। किसी की कम्बस्टन आ जाए, किसी हाइड्रोकार्बन की, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कम्बस्टन का अमल होता है। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट, साथ में वो हाइड्रोकार्बन। इसमें प्रोडक्ट में हमेशा ये दो केमिकल लाजमी बना करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये प्रोडक्ट हैं, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ करेगा, लिहाजा प्रोडक्ट में हीट भी प्रोड्यूस हुआ करेगी। हीट ये शो करिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसके लिहाज से आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। जब भी अल्कीन के कार्बन बढ़ते चले जाएं, तो यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन भी बढ़ाने हैं। फॉर एग्जांपल, कम्बस्टन दो अंदाज में आ सकती है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो फिर इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल, CH4 है, आपने इसमें हाइड्रोकार्बन में कार्बन देखने हैं और इसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखने, जितने हाइड्रोजन हो उसके मुताबिक वाटर बना देना है, और फिर लास्ट में आपने ऑक्सीजन देखने हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 है, यहाँ पे आपने 2 लगा दिया। आपने इसमें ऑक्सीजन ऐड किए, जितने भी कार्बन हैं इससे बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी हाइड्रोजन हैं 6, इससे बनाना है वाटर। एंड पे आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 2 2 4 एंड 3 7, यहाँ 7 तो नहीं हो सकते, तो यहाँ 7/2 ले लें। अभी ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए। तो आप देखें, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। कम्बस्टन में जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो -891 किलो जाउल पर मोल। अगर आप एक कार्बन वाला अल्केन लेंगे, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, -891 किलो जाउल पर मोल। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसे हीट ऑफ कम्बस्टन कहा जाता है। हीट ऑफ कम्बस्टन ΔHC डायरेक्ट होती है नंबर ऑफ कार्बन के, जितने कार्बन लेंगे उतनी हीट ऑफ कम्बस्टन ज़्यादा होगी। डायरेक्ट होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी हीट ऑफ कम्बस्टन ज़्यादा होगी, और ये इन्वर्स होती है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि हीट ऑफ कम्बस्टन जो है वो डायरेक्ट होगी नंबर ऑफ कार्बन के। पहले इस चीज़ को समझते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्ट कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास है मीथेन, ये हमारे पास है इथेन, ये है प्रोपेन और ये है ब्यूटेन। तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी, वैसे वैसे हीट ऑफ कम्बस्टन बढ़ेगी। तो इसकी हीट ऑफ कम्बस्टन सबसे ज़्यादा, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम, ठीक है? तो पहला पॉइंट आपने क्या रखना है, हीट ऑफ कम्बस्टन किसकी कम होगी जिसमें कार्बन कम है।
हीट ऑफ कंबसन किसकी ज्यादा होगी जिसमें कार्बन ज्यादा है। पहला पॉइंट हो गया हीट ऑफ कंबसन डायरेक्ट है नंबर ऑफ कार्बन के। इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, कोई भी रिएक्शन होना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, तो हर केमिकल की अपनी एक एनर्जी होती है जिसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी है 80 और इससे जो प्रोडक्ट बना उसकी इंटरनल एनर्जी है 20, तो ये जो 60 में डिफरेंस आया वो हीट इवोल्व हो जाएगी। ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट ने 20 एनर्जी अपने पास रखी, बाकी उसने बाहर फेंक दी। अब देखें इस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी है 150 और जो प्रोडक्ट बना उसकी इंटरनल एनर्जी फर्ज करें 20 ही है। अब इसमें डिफरेंस कितना आया, ज़्यादा का आया ना, तो अब 130 इतनी एनर्जी इवोल्व होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ चुकी थी। तो अब आप यहाँ से एक पॉइंट बनाएं, जैसे ही रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी बढ़ी 80 से 150 हुई, वैसे ही हीट जो इवोल्व थी वो भी बढ़ गई। तो जो डेल्टा एच कम्बस्टन है, हीट कितनी इवोल्व होगी वो डायरेक्ट है इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ाएंगे हीट ज़्यादा इवोल्व होगी, और जिस केमिकल की एनर्जी बढ़ जाए इंटरनल एनर्जी, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये वाला अनस्टेबल है और ये वाला स्टेबल है। भाई जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है, मैंने आपको ये बूढ़े की मिसाल से समझाया हुआ है। जिसकी एनर्जी कम होती है स्टेबल, बूढ़े में एनर्जी कम स्टेबल ज़्यादा होता है। तो आप देखें इसकी एनर्जी कम तो हीट भी कम इवॉल्व हुई, इसकी एनर्जी ज़्यादा हीट भी ज़्यादा इवॉल्व हुई। तो इसकी एनर्जी कम से मुराद क्या, स्टेबल। जब रिएक्टेंट स्टेबल होगा हीट कम इवॉल्व करेगा, जब रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा हीट ज़्यादा इवॉल्व करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा, हीट ऑफ कंबस्टन कम, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट कम, अनस्टेबल, हीट ऑफ कंबस्टन ज़्यादा। तो मैंने ये आपको ना रिएक्टेंट के हिसाब से कॉन्सेप्ट बना दिए हैं। रिएक्टेंट में कार्बन की तादाद बढ़ाएंगे, हीट ऑफ कंबस्टन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे इंटरनल एनर्जी, हीट ऑफ कंबस्टन बढ़ेगी, और जब रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा देंगे तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम करेंगे तो हीट ऑफ कंबस्टन बढ़ेगी, ठीक है। ये आपने साथ ही कोरिलेट कर लेना, एक ही बात है, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, लेकिन अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तब क्या बनेगा। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर आप मीथेन की ही बात कर लें, तो मीथेन अब आपने यहाँ पे ले लिया 3 मीथेन और 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मीथेन जितने थे उससे डबल ऑक्सीजन थे ना, यहाँ पे मीथेन जितने लिए उससे डबल ऑक्सीजन नहीं लिए, तो ये लिमिटेड सप्लाई है। ऑक्सीजन यहाँ पे कम है हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में, रेशियो वो नहीं रही ना, 1:2 की रेशियो, यहाँ पे 3:4 की रेशियो, रेशियो कम है। तो अब के इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनना बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन ब्लैक, और वाटर तो बनना ही बनना है। जितने भी हाइड्रोजन है उसे आपने वाटर बना दिया, 4:3:12 6 वाटर बना दिया। बाकी कार्बन बैलेंस करने के लिए कार्बन यहाँ पे 3 है, 2 ये बना दें और एक कार्बन ब्लैक बना दें। तो जब भी आप लिमिटेड सप्लाई की बात करेंगे उसमें कार्बन ब्लैक और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक बना करेगा, वाटर दोनों में बनेंगे। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या चीज़ कॉमन है, वाटर का बनना कॉमन है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक इसमें। स्टूडेंट देखें प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन डिस्कस करते हैं, कभी आपको कोई केमिकल दे के और साथ में ऑक्सीजन के मोल दे के पूछ लिया जाए कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भी कंबस्टन में तो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर भी बन सकता है, एट द सेम टाइम अगर ऑक्सीजन कम पड़ गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं भी कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बनेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन ब्लैक या वाटर बनेगा। तो आप देखें सबसे पहले ना आप इसे खुद ही इक्वेशन बना लें, अगर ऑक्सीजन यहाँ से इग्नोर कर दें 4 की बजाय, खुद बनाए अगर ऑक्सीजन एक्सेस में होते तो क्या बनना चाहिए था, 3 कार्बन से 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए था, और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन से 4 वाटर बनने चाहिए थे। टोटल कितने ऑक्सीजन चाहिए, 3 to 6 एंड 4 10, तो यहाँ 5 O2 होना चाहिए था। इट मीन्स कि ऑक्सीजन कम पड़ गया है, ये है लिमिटेड, और लिमिटेड में अब हमें समझ आ गई इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक बनना है और वाटर तो बनना ही बनना है। यहाँ पे देख लें 5 ऑक्सीजन गिवन है, हम देखते हैं इसमें हमें कितने चाहिए, 4 कार्बन से 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनता अगर ये एक्सेस में होते, 10 से 5 वाटर बनते, टोटल यहाँ पे ऑक्सीजन कितने चाहिए, 4 to 8 एंड 5 13,
यहाँ पे 10 गीवन है, इसका मतलब ये भी लिमिटेड है, इसमें ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। इसमें आ जाए 7 ऑक्सीजन गीवन है, हम देखते हैं हमें कितने चाहिए थे। कार्बन 4 है, इसे बनना था 4 कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन 10 है, इसे बनना था 5 वाटर। टोटल ऑक्सीजन कितने चाहिए थे एक्सेस में, 4 to 8 एंड 5 13, यहाँ कितने, 7 to 14। इट मीन्स कि ये ज़्यादा है, ठीक है, आई बात समझ, कि जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा गिवन है। यहाँ पे देख लें, 5 कार्बन, इससे क्या बनना था, 5 कार्बन डाइऑक्साइड, और 12 हाइड्रोजन, इससे बनना था 6 वाटर। टोटल ऑक्सीजन कितने चाहिए थे एक्सेस में, 5 to 10 एंड 6 16, यहाँ पे कितने, 9 to 18, ज़्यादा है ना। इट मीन्स कि ये ही केमिकल बनेगा, ये एक्सेस में थी ऑक्सीजन। यहाँ पे देखें, 6 कार्बन के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थे, और 14 के लिए 7 वाटर, तो ऑक्सीजन कितने बने, 19, यहाँ पे कितने, 20, ये भी एक्सेस में है। यहाँ पे देखें, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 16 से 8 वाटर बनेंगे, 11 ऑक्सीजन हमारे पास गिवन है, क्या ये ठीक है या कम है, तो 14 एंड 8 22, 11 to 22 पूरे गिवन है, ये भी एक्सेस में है। स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा, विच हैज़ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कम्बस्टन, तो हीट कितनी इवॉल्व होगी वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन, और साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन। ये जितने कार्बन ज़्यादा उतनी हीट ऑफ कम्बस्टन ज़्यादा। नंबर ऑफ वाटर फॉर्म बाय द कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ C4H10, तो अभी C4H10 को आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं, ऑक्सीडेशन से मुराद है कम्बस्टन। अगर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन हो तो फिर वो कैटलिस्ट वाली है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है कम्बस्टन। तो अब आप देखें, 4 कार्बन, 4 बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और 10 हाइड्रोजन, 5 बनेंगे वाटर। तो आप देखें कितने वाटर बने, 5, जितने हाइड्रोजन होंगे ना उससे हाफ वाटर बनते हैं, तो ये आ गया जी 5। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनते हैं, जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन हो उससे हाफ वाटर। विच प्रॉपर्टी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन इन अल्केन्स, जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते हैं कौन सी प्रॉपर्टी कम होती है, हीट ऑफ कम्बस्टन बढ़ती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, डेंसिटी बढ़ती है, नन ऑफ दीज, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो कम हो। एक प्रॉपर्टी यहाँ मैंशन ही सोलबिलिटी, वो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने से कम हो जाती है। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट कम्बस्टन ऑफ डैश रिक्वायर्स 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन, किसकी कम्बस्टन से 10 मोल ऑक्सीजन चाहिए और मुकम्मल कम्बस्टन आपने करनी है। तो भैया आप देखें, हेक्सेन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनने हैं और 7 वाटर बनने हैं, तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा चाहिए इसमें। पेंटेन में 5 कार्बन डाइऑक्साइड बनने हैं और 6 वाटर बनने हैं, इसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। ब्यूटेन में 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनने हैं और 5 वाटर बनने हैं, कैसे पता लगता है, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उससे हाफ वाटर, इसमें भी ज़्यादा चाहिए। प्रोपेन में 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनने हैं और वाटर कितने बनने हैं, 4। आप देखें ऑक्सीजन 3 to 6 and 4 10, इसमें चाहिए 10 ऑक्सीजन, ठीक है। स्टूडेंट कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन देखते हैं अल्केन्स की, तो इसकी कंडीशन होती है कॉपर मेटल 400 डिग्री टेम्परेचर एंड 200 एटीएम प्रेशर, कंडीशन आपने इसे याद कर लेना है। तो सबसे पहले अल्केन के पहले स्टेप में कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन से बनेगा अल्कोहल, सेम कंडीशन पर। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनेगा एल्डिहाइड, सेम कंडीशन पर। एल्डिहाइड की सेम कंडीशन पर फर्दर ऑक्सीडेशन से बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या बाज़ दफ़ा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही स्टॉप हो जाया करेगा, वो आगे हम डिस्कस करते हैं क्यों। आपने अल्केन ली CH4 एक कार्बन वाली, और पहले स्टेप में आपने ऑक्सीडेशन करवाई, ऑक्सीजन ऐड की एटॉमिक, और इस कंडीशन पर जब आपने कंडीशन लगाई तो होगा क्या, ये वाला ऑक्सीजन ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे सैंडविच हो जाएगा, तो कौन सा केमिकल बन गया, CH3OH अल्कोहल बन गए। तो पहले स्टेप में अल्केन से अल्कोहल बना करते हैं, अगले स्टेप में जब आप अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब क्या होगा। तो अब मैं अल्कोहल का जो OH बना है इसे ऊपर लिख देता हूँ, और बाकी जो H था वो मैंने नीचे लिख दिया, CH3OH है ना, मैंने OH को ऊपर लिख दिया। आप इसमें मज़ीद ऑक्सीजन ऐड करेंगे सेम कंडीशन पर, ये जो ऑक्सीजन है आपके यहाँ पे जाके ऐड नहीं होगी, बल्कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकालेगी,
ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप देखें कि जो दो एच मैंने सर्कल किए हैं, ये इस ओ के साथ मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन हुआ करता है, आपके यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुई बल्कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है। तो आप देख लें बाकी क्या बचा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये केमिकल बच गया। ये है जी एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के साथ वाटर भी बना जो बुक में मेंशन नहीं है, तो मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, साइड प्रोडक्ट है। अब आप एल्डिहाइड की फर्दर जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे सेम कंडीशन पर, तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे सैंडविच हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान। तो अब क्या आपको मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इस बार ये ब्रेक हो जाएगा, इसे CO2 ये वाला, और ये दोनों एच इस ओ के साथ मिलके जो आप ऐड करेंगे वाटर बना देंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर आप मीथेन के अलावा कोई और अल्केन यूज कर लें, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इथेन, और पहले स्टेप में आप इसमें ऑक्सीजन ऐड करें, सेम कंडीशन क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा CH3CH2OH। अगले स्टेप में आप इसमें मजीद ऑक्सीजन ऐड करें, अल्कोहल से क्या बना करते हैं, एल्डिहाइड। तो आपके बनेगा दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड आप बना लें। आप इसमें मजीद ऑक्सीजन ऐड करेंगे, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब के दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आप इसमें मजीद ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये फॉर्मिक एसिड एक कार्बन वाला, ये वाहिद कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है और इसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन सकता है, बाकी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये माइंड में रखिएगा। इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा एक एडवांटेज है कि आपके पास ना हायर हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जाम्पल 18 कार्बन का आपके पास हाइड्रोकार्बन है जिसकी डिमांड नहीं है, ना ही अच्छा फ्यूल है और ये यूजफुल भी इतना नहीं है, काम का भी नहीं है, तो क्यों ना इसे यूज किया जाए किसी और केमिकल की शक्ल में। या तो आप कर सकते हैं इसकी क्रैकिंग क्रैकिंग करके इसे पेट्रोल बना ले, यूज हो जाएगा, या आप इस रिएक्शन के जरिए भी अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें, सेम कंडीशन लगाएं, कॉपर 400 डिग्री एंड 200 ATM, सेम कंडीशन पर इसे बन जाएगा एट द एंड कार्बोक्सिलिक एसिड C17H35COOH। तो जब इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना हायर, ये फैटी एसिड कहलाते हैं। तो आपने फैटी एसिड बना लिया, फैटी एसिड बहुत काम का केमिकल है, आप इसे बहुत सी चीजें बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसे सोप बना सकते हैं और बहुत से इंडस्ट्रियल केमिकल आप इसे बना सकते हैं। तो ये इस रिएक्शन का फायदा है कि आप एक सरप्लस केमिकल को जिसकी डिमांड नहीं है, एक ऐसे केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट हम शुरू करते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में या हाई टेम्परेचर पर, और इससे ना सक्सेसिव रिप्लेसमेंट हो जाती है हाइड्रोजन की हैलोजन से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, पहले स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके हैलोजन आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, 2 हैलोजन आ जाएंगे, फिर तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, 3 हैलोजन आ जाएंगे, और फिर आखिरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा और 4 हैलोजन आ जाएंगे। इसे कहा जाता है सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, एक एटम गया हाइड्रोजन गया हेलोजन आ गया, फिर हाइड्रोजन गया हेलोजन आ गया, तो कौन सी टाइप है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्कीन का हेलोजन के साथ रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है ये कहलाता है मिथाइल क्लोराइड, या इसे कौन नाम दिया जाता है, क्लोरोमीथेन, एक कार्बन की वजह से मीथेन और ये क्लोरो क्लोरोमीथेन। ये जो दूसरा प्रोडक्ट बना है इसे डाइक्लोरोमीथेन, या तो आप बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन, या जो CH2 ग्रुप होता है इसे बोला जाता है मिथाइलीन। तो आप इसे ना मिथाइलीन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, जैसे CH3 ग्रुप मिथाइल होता है ना, ऐसे CH2 होता है मिथाइलीन। तो ये है मिथाइलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन, और आप इसे जानते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड
या टेट्राक्लोरो मीथेन। एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन, ये रिएक्शन किस हद तक जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपने हेलोजन कितनी ली है। एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ हेलोजन पर। अगर आप हेलोजन बहुत कम लेंगे तो रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा, अगर आप हेलोजन बहुत ज़्यादा लेंगे तो रिएक्शन यहाँ तक जाएगा। इसमें कौन सा हेलोजन किस स्पीड में ये रिएक्शन देगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है, बहुत तेज होता है, ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो और रिवर्सिबल होता है, तो आयोडीनेशन भी कराना फायदेमंद नहीं है, क्लोरीनेशन करवाना भी फायदेमंद नहीं है, ये कंट्रोल ही नहीं होगा। तो बाकी बचे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। आप इक्वेशन में हमेशा यही इक्वेशंस बनाया करेंगे क्योंकि ये वाले रिएक्शन फिजिबल हैं, हो जाते हैं। जब आप क्लोरीनेशन करवाएंगे अल्केन्स की, तो उस वक्त दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो कार्बन ब्लैक बन जाएगा, और जितने भी एफ हैं, जितने भी एच हैं उसके साथ उतने एफ अटैच होके ये एच एफ बना देंगे, तो ये कार्बन ब्लैक या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बन सकते हैं। या ये सक्सेसिव अंदाज में भी चल सकता है, ऊपर वाले की तरह इसमें क्लोरीनेटेड अल्केन्स भी बन सकते हैं। तो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कार्बन ब्लैक भी बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनेगा, और एक क्लोरीनेटेड अल्कीन भी बनेगा। ये एक मिक्सचर बन जाएगा जिसमें तमाम केमिकल मौजूद होंगे, लेकिन वही बात कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, ये क्लोरीनेशन रिएक्शन नहीं करवाया जाता। ये जो रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन, जैसे हमने देखा कि एक एटम निकल रहा है हाइड्रोजन तो हेलोजन आ रहा है, लेकिन कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के हमेशा तीन स्टेप हुआ करते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन वो स्टेप होता है जिसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, या आप ये निशानी इसमें याद रख सकते हैं, आपको फ्री रेडिकल नज़र आएगा प्रोडक्ट में, फ्री रेडिकल इन प्रोडक्ट, क्योंकि बनेगा ना। तो फॉर एग्जांपल आप देख लें कि जब आप ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हेलोजन्स सनलाइट की मौजूदगी में या हाई टेम्परेचर पर ये यहाँ से बराबर टूट जाता है और ये फ्री रेडिकल बन जाते हैं। तो ये स्टेप जिसमें रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल नहीं थे, फ्री रेडिकल इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल बन गए, ये इनिशिएशन का स्टेप होता है। तो ये जो फिशन है, ये कौन सी फिशन हुई, ये फिशन हुई होमोलाइटिक फिशन। हमने पढ़ा था होमोलाइटिक फिशन क्या होते हैं, जिसमें बॉन्ड बिल्कुल दरमियान से टूटे, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाए, ये कहलाती है होमोलाइटिक फिशन। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि भाई हेलोजन का बॉन्ड क्यों टूटा, ये पहले मीथेन का बॉन्ड क्यों नहीं टूटा। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता और इसे फ्री रेडिकल बन जाते हैं ये वाले, पहले ये स्टेप क्यों नहीं हुआ और हेलोजन का बॉन्ड क्यों टूटा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकेज है ना फ्री रेडिकल में, इनिशिएशन में, कौन सा बॉन्ड टूटेगा वो डिपेंड करता है इनकी बॉन्ड एनर्जी पर। सी एल सी एल बॉन्ड एनर्जी है 350 किलो जाउल पर मोल, और सी एच बॉन्ड एनर्जी है 435 किलो जाउल पर मोल। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है वो बॉन्ड पहले टूटेगा, यही वजह है कि इनिशिएशन में जो पहला स्टेप है क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड का टूटना है और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है, ये फ्री रेडिकल आगे फिर मीथेन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन की निशानी ये होगी कि आपको फ्री रेडिकल नजर आएगा बोथ इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में फ्री रेडिकल नजर आएगा। अगर ऐसा हो इसका मतलब है प्रोपोगेशन का स्टेप है। तो तमाम जो स्टेप होते हैं ना हेलोजिनेशन में 90% प्रोपोगेशन के ही होते हैं, इनिशिएशन का पहला स्टेप होता है, टर्मिनेशन का लास्ट स्टेप होता है, तो 90% ये प्रोपोगेशन के स्टेप ही आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी इनिशिएशन में क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाया, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल मीथेन में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और अब क्या होगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये HCl बना देंगे और जो CH3 है ये बन गया जी फ्री रेडिकल। तो आपने देखा प्रोपोगेशन में क्या हुआ,
क्लोरीन रिएक्टेंट है, इसमें भी फ्री रेडिकल था, प्रोडक्ट पे भी फ्री रेडिकल है। ये प्रोपोगेशन का स्टेप है जिसमें फ्री रेडिकल्स बहुत ही रिएक्टेंट है प्रोडक्ट आपको नजर आए। और टर्मिनेशन वो स्टेप हुआ करेगा जिसमें आपको रिएक्टेंट में तो फ्री रेडिकल नजर आएंगे जैसे ये हैं, और प्रोडक्ट में आपको नजर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हैं, रिएक्टेंट में दो फ्री रेडिकल होंगे और प्रोडक्ट में कोई भी फ्री रेडिकल नहीं होगा। अगर आपको कोई ऐसा रिएक्शन नजर आए जिसमें ये सूरत हाल हो तो आप बोलेंगे ये टर्मिनेशन का रिएक्शन है, यहाँ पे आके रिएक्शन रुक जाएगा क्योंकि फ्री रेडिकल खत्म हो चुके हैं। स्टूडेंट आप देखिएगा कि भी प्रोपोगेशन में रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। इनिशिएशन तो बस एक रिएक्शन था ना, फ्री रेडिकल बन गए। टर्मिनेशन भी यही रिएक्शन है जिसमें फ्री रेडिकल खत्म हो गए, लेकिन प्रोपोगेशन के तो बहुत सारे रिएक्शन हैं। अब आप कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं कि किस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा, आपको कैसे अंदाजा होगा? आपने याद रखना है जब भी आप हेलोजन का फ्री रेडिकल देखें ये हमेशा कार्बन के कंपाउंड से मिलेगा और HCl बनाएगा। जब भी आप क्लोरीन का फ्री रेडिकल देखें तो नेक्स्ट स्टेप में वो कार्बन के कंपाउंड के साथ मिलेगा और HCl बनाएगा। क्लोरीन का फ्री रेडिकल हमेशा HCl बनाता है। जब भी आप कार्बन का फ्री रेडिकल देखें हमेशा Cl2 से मिलेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। तो अब आप ये तमाम रिएक्शन खुद बना सकते हैं, दो बातें आपने याद रखनी है। तो कोई भी गिवन रिएक्शन में क्या बनेगा आप बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला है प्रोपोगेशन का स्टेप, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना और ये मिला जी CH4 के साथ। तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल कार्बन के कंपाउंड के साथ ही मिलता है ना, तो क्या बनाएगा इसे एक H ले लेगा, HCl बना देगा। जब ये HCl बना देगा तो कार्बन का जो है ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्यों कार्बन का फ्री रेडिकल बन गया, मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल जब H लेगा तो H एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही रह जाएगा। ये होमोलाइटिक फिशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया क्योंकि उसे चाहिए एक था ना, एक तो क्लोरीन के पास था, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये बन गया कार्बन का फ्री रेडिकल। कार्बन का जो फ्री रेडिकल बना है किसके साथ मिलेगा, हमेशा Cl2 के साथ। तो अगले स्टेप में जो कार्बन का फ्री रेडिकल बना है CH3, ये मिलेगा Cl2 के साथ। वही बात है कि Cl2 दरमियान से टूटेगा होमोलाइटिक फिशन, ये Cl यहाँ पे चला गया CH3Cl, एंड ये जो एक Cl बचा ये बन गया जी फ्री रेडिकल। यही मैंने आपको सिखाया था, कार्बन का फ्री रेडिकल हमेशा Cl2 से मिलेगा, क्या बनाएगा Cl3 रेडिकल बन गया ना। ये जो Cl फ्री रेडिकल बना है ये किसके साथ मिलेगा, कार्बन के कंपाउंड से। कार्बन का कंपाउंड कौन सा इसके साथ ही है, CH3Cl। भाई इसने तो हमेशा क्या करना है, इससे हाइड्रोजन छीनना है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा HCl बना देगा, और बाकी क्या बचा, कार्बन का कंपाउंड CH3 था ना, तो ये बचा CH2Cl और इस पर एक डॉट आ गया। ठीक है, ये जो कार्बन का कंपाउंड बना है ये किससे मिलेगा, हमेशा Cl2 से। तो कार्बन का कंपाउंड मिलेगा Cl2 से, और वही बात कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाएगा, तो ये Cl यहाँ पे अटैच हो गया CH2Cl2 हो गया, एंड ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है ये किससे मिलेगा, कार्बन के कंपाउंड से, वो कहाँ पे, इसके साथ ही है। तो ये जो Cl फ्री रेडिकल बना है ये कार्बन के कंपाउंड CH2Cl2 से मिलेगा, और इसने क्या बनाना है, इसने एक हाइड्रोजन लेना है ना, HCl बनाना है, हमें याद है, तो ये HCl बना देगा। बाकी क्या बचा, ये C के पास एक H रह गया और दो Cl CHCl2 इस पे डॉट आ गया। जब भी HCl बनता है आप देख लें डॉट आता है कार्बन के कंपाउंड पे, यहाँ HCl बना कार्बन के कंपाउंड पे डॉट आया, तो यहाँ HCl बना कार्बन के कंपाउंड पे डॉट आया। ये जो कार्बन का कंपाउंड बना है जिस पे डॉट आया ये किसके साथ मिलेगा, ये क्लोरीन के साथ मिलेगा Cl2 के साथ, यहाँ लिखा हुआ है ना Cl2 के साथ। बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, बनेगा CH Cl3 एंड Cl दोबारा बन गया। ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा बना है ये फिर मिलेगा किससे, कार्बन के कंपाउंड से, वो कौन सा, इसके साथ ही मौजूद है, तो CHCl3। क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल बना है इससे क्या छीनेगा, हाइड्रोजन, हमेशा HCl बनाता है ना, तो ये HCl बना देगा, और ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल बना CCl3 इस पे आ गया डॉट, और ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल बना है किसके साथ मिलना पसंद करते हैं, Cl2 के साथ। तो कार्बन का फ्री रेडिकल ये जो बना है ये Cl2 के साथ मिलेगा, और क्या बनाएगा, ये Cl इसके साथ CCl4
एंड सी एल फ्री रेडिकल। तो ये अमल जारी रहेगा क्योंकि आपने देखा कि हर रिएक्शन में, रिएक्टेंट में भी फ्री रेडिकल है, प्रोडक्ट में भी है, रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी, 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 आप तमाम में देख रहे हैं। तो क्या है ये तमाम स्टेप जो मैंने आपको सिखाए हैं प्रोपोगेशन के स्टेप हैं। आपने देखा इसमें क्या केमिकल बने, ये देखें मिथाइल क्लोराइड, ये वाला मिथाइलिन क्लोराइड, ये वाला क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन, ये वाला, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये वाला। तो हमने यही सीखा था ना कि इसमें यही बनते हैं। तो ये स्टेप आपको सिखाने का मकसद ये था कि जब भी कोई रिएक्शन आ जाए कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप ये इस बात से इसे बना सकते हैं। रिएक्शन में, रिएक्टेंट में क्लोरीन फ्री रेडिकल हुआ तो HCl बना करेगा, कार्बन फ्री रेडिकल हुआ तो Cl फ्री रेडिकल बना करेगा। स्टूडेंट देखिएगा, कुछ क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द स्टेप ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन है, हमने ये सेलेक्ट करना है, इनमें से इनिशिएशन कौन सा स्टेप है, प्रोपोगेशन कौन सा स्टेप है, टर्मिनेशन कौन सा स्टेप है। तो उसकी निशानी क्या है इनिशिएशन की, कि रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल नहीं होगा, प्रोडक्ट में होगा, दोनों में होगा, रिएक्टेंट में होगा दो फ्री रेडिकल, प्रोडक्ट में नहीं होगा। तो पहला देखें, यहाँ भी फ्री रेडिकल है, यहाँ भी फ्री रेडिकल है, तो कौन सा हो गया प्रोपोगेशन। यहाँ फ्री रेडिकल है, यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा हो गया टर्मिनेशन। रिएक्टर में फ्री रेडिकल है, प्रोडक्ट में भी है, कौन सा हो गया प्रोपोगेशन। रिएक्टर में फ्री रेडिकल है, प्रोडक्ट में भी है, प्रोपोगेशन कौन सा हो गया टर्मिनेशन। ठीक हो गया। दूसरी बात, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, डिफरेंट रिएक्शन दे दिए गए, बताएं कि क्या बनेगा। तो मैंने आपको क्या निशानी बताई थी, क्लोरीन का फ्री रेडिकल हमेशा HCl बनाएगा, और कार्बन का फ्री रेडिकल जब भी क्लोरीन के साथ मिलेगा Cl का फ्री रेडिकल बनाएगा। तो अब आप ये बना सकते हैं, इस क्लोरीन के फ्री रेडिकल को आपने मिलाना है H के साथ, HCl बना दिया, और जो कार्बन है इसके पास बचे CH3, इस पे आ गया डॉट। यहाँ पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल H के साथ मिलके HCl बनाएगा, कार्बन को, कार्बन के पास रह गया 2H और एक Cl, इस पे आ गया डॉट। यहाँ पे देखें कार्बन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, Cl लेगा एक, CH2Cl2 बनाएगा, और क्लोरीन क्या बचेगा फ्री रेडिकल। यहाँ पे चूंकि क्लोरीन का फ्री रेडिकल है तो H लेगा HCl, और कार्बन के पास क्या बचा CCl3, इस पे आ गया डॉट। यहाँ पे देखें कार्बन का फ्री रेडिकल एक Cl लेगा तो CCl4 बन गया, और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। आई बात समझिए स्टूडेंट, देखिएगा हमने ना हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में डिफरेंट ये रेशो बनाई है। इन द रिएक्शन ऑफ CH4 एंड Cl2 सेलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म की फ्रॉम गिवन रेशो। तो हमारे पास ये गिवन रेशो है, अगर आप CH4 क्लोरीन 1:1 की रेशो में लें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप जानते हैं कि हेलोजिनेशन में ये डिफरेंट स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या बनता है CH3Cl, अगले स्टेप में CH3Cl से बनता है CH2Cl2, मज़ीद क्लोरीन यूज़ होती है, उसे अगले स्टेप में CH2Cl2 से बनता है CHCl3, और साथ में HCl भी बनता है हर स्टेप में, और लास्ट स्टेप में CHCl3 से बनता है CCl4 एंड HCl। तो आप देखें इसमें ना हर स्टेप में क्लोरीन यूज़ हुई, तो क्लोरीन तो आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और ये जो मीथेन है पहले स्टेप में यूज़ हुआ, उसके बाद मीथेन यूज़ नहीं हुआ, तो मीथेन कम भी ले लें तो गुजारा हो जाएगा। अब देखें अगर आप दोनों 1:1 की रेशो से लेंगे तो भी पहले ही स्टेप में क्लोरीन यहाँ पे ख़त्म हो गई, अगले स्टेप में क्लोरीन आपको चाहिए लेकिन नहीं होगी, तो अब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो CH3Cl और HCl ही बनेगा, क्योंकि क्लोरीन मज़ीद चाहिए अगले स्टेप में ये जो प्रोडक्ट बने इसके साथ मिले और नेक्स्ट उसे प्रोसीड करे रिएक्शन को। जब क्लोरीन ख़त्म हो गया रिएक्शन रुक गया। अगर आप क्लोरीन और मीथेन 1:2 की रेशियो से ले लें, क्लोरीन डबल ले लें, तो भी फिर रिएक्शन यहाँ तक जाएगा। आपने मीथेन ली, क्लोरीन बराबर उसकी अमाउंट के ली, ये पहला स्टेप हो गया। फिर ये जो केमिकल बना मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन दोबारा आपने ऐड की तो ये CH2Cl2 बन गया। इसके बाद क्लोरीन आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपने दो मॉलिक्यूल लिए थे 1:2 की रेशियो से, तो अब के बनेगा CH2Cl2 एंड HCl पहले स्टेप में भी बना था तो HCl तो दो बनेंगे, क्योंकि ये तो यूज़ हो गया ना, इसलिए हमने ये नहीं मेंशन किया CH2Cl2 एंड 2HCl। अगर आप ले लेते 1:3 की रेशो से तो फिर ये तीसरे स्टेप तक रिएक्शन जाता, क्योंकि क्लोरीन
आपने लिए हैं, मीथेन एक है, तो अब के बनना था CHCl3, N3HCl। ये है जी 1:3 की रेशो से। और अगर आप लेते क्लोरीन एक्सेस में, तो क्लोरीन या हेलोजन एक्सेस में लेने पर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है CCl4 एंड HCl। तो अगर आप चाहते हैं कि हेलोजनेशन का रिएक्शन मुकम्मल हो जाए, तो आपको एक्सेस हेलोजन लेनी पड़ेगी। ये जो हेलोजनेशन की एक्सटेंट है ना, कि किस हद तक मुकम्मल होना है, ये अमाउंट ऑफ हेलोजन पे डिपेंड कर रही है। अगर आप मीथेन एक्सेस में ले लें और हेलोजन लिमिटेड ले लें, कम मिकदार में लें, तो भाई मीथेन एक्सेस में लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीथेन तो बस पहले स्टेप में यूज हुई, आगे तो मीथेन यूज ही कहीं नहीं हुई। तो अगर आप मीथेन एक्सेस में लेंगे, हेलोजन कम पड़ जाएगी, तो रिएक्शन पहले स्टेप पे ही रुक जाएगा, आगे हेलोजन होगी नहीं। हेलोजन तो हर स्टेप में आपको चाहिए, लिहाजा एक्सेस ऑफ मीथेन में रिएक्शन पहले ही स्टेप में रुक जाना है, क्योंकि आपकी हेलोजन लिमिटेड है। पहले ही स्टेप में तमाम हेलोजन मीथेन के साथ मिलकर ये बना देगी, फिर हेलोजन बचेगी नहीं। जब बचेगी नहीं, तो अगले स्टेप कहाँ से होंगे? तो ये आपने याद रखना है, हेलोजनेशन की जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ हेलोजनेशन, ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज्ड। स्टूडेंट, क्योंकि फ्री रेडिकल का जिक्र है हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में, तो हम स्टेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल अगर टर्शरी होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी के मुकाबले में, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी के मुकाबले में। इसकी वजह क्या है? पहले हम बता लेते हैं टर्शरी फ्री रेडिकल कौन सा होता है। जो कार्बन है ना, जिसके साथ ये डॉट है, इसके साथ अगर तीन कार्बन डायरेक्ट अटैच हों, ये होते हैं टर्शरी कार्बन, जिसपे फ्री रेडिकल का डॉट है, इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ अगर दो मिथाइल डायरेक्ट अटैच हों, ये होते हैं सेकेंडरी कार्बन, ये अल्फा कार्बन कहलाता है फ्री रेडिकल वाला। इसके साथ अगर एक मिथाइल हो या कोई मिथाइल ना हो, ये प्राइमरी। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ तीन मिथाइल डायरेक्ट, अल्फा कार्बन के साथ दो मिथाइल, और यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ एक मिथाइल या कोई मिथाइल नहीं। अब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे केमिकल को। तो यहाँ पे तो तीन मिथाइल है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इन्हें इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन की तलाश है। जैसे कोई भूखा शख्स है, तो उसे खाने की तलाश है ना, जब उसे खाना मिल जाएगा फिर वो भूखा नहीं रहेगा। तो यही काम यहाँ पे हुआ, इसे इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, इसे मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब इसे इलेक्ट्रॉन की तलाश नहीं रही, यही वजह है कि ये हो गया स्टेबल, क्योंकि इसे जो चाहिए था मिल गया। इसे इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, ये इलेक्ट्रोफाइल था फ्री रेडिकल, इसे यहाँ से मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से दिए, ये भी हो गया स्टेबल। लेकिन इसे तीन मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इसे दो मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये इसके मुकाबले में थोड़ा सा कम स्टेबल हुआ, इसे इतने इलेक्ट्रॉन नहीं मिले जितने इसे मिले। इसे भी इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, इसे एक मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन दिया, लिहाजा इसकी इतनी कमी पूरी नहीं हुई, ये इतना स्टेबल नहीं हुआ। और इसे तो कोई देने वाला ही नहीं है, तो ये भी स्टेबल नहीं हुआ, ये हाईली अनस्टेबल है और ये हाईली स्टेबल है। आई बात समझ? क्योंकि जो चीज़ इसे चाहिए थी, यहाँ पे तीन मिथाइल ने दे दी, यहाँ पे दो मिथाइल ने दी, लिहाजा कम मिली, यहाँ पे एक मिथाइल ने दी, यहाँ किसी मिथाइल ने नहीं दी, लिहाजा इसके पास जो विश है ना इलेक्ट्रॉन लेने की, बहुत ज़्यादा है, और ये विश इसे अनस्टेबल बनाती है।